विशेष जयमाला। जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अपने दौर की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका जगजीत कौर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। जयमाला के सुनने वालों को नमस्ते। आज खुशकिस्मती से मुझे आपसे बातें करने का मौका तो मिला, लेकिन मैं इस उलझन में हूँ कि आपसे क्या कहूँ क्या ना कहूँ। वैसे कहने के लिए बहुत सी बातें हैं और सुनवाने के लिए बहुत से गीत, और वो तो आपने सुना ही होगा। बात को तुम घटाओ चाहे बढ़ाओ, तूल भी है ये मुख्तसर भी है। तो लीजिए, बातों को कम ही करते हुए अपने प्रोग्राम को उसके नाम से, उसकी याद से मैं शुरू कर रही हूँ जो कायनात के हर जर्रे में समाया हुआ है और इस संसार रूपी रथ का सारथी है। हम उसे कभी भगवान कहते हैं, कभी खुदा के नाम से याद करते हैं, और कभी सतगुरु कहकर। सतगुरु जी भाइयों, एक मर्तबा एक कलाकार से एक व्यापारी ने पूछा, क्यों साहब आप कलाकार क्यों बने, आप व्यापारी क्यों नहीं बने? कलाकार ने जवाब दिया, यही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप व्यापारी क्यों बने, कलाकार क्यों नहीं बने, तो आप क्या जवाब देंगे? मतलब यह है फौजी भाइयों कि हर इंसान का अपना एक अलग मिजाज होता है, अपनी अलग रुचि होती है, और जिस तरफ उसका रुझान होता है उसी में वो तरक्की कर सकता है।
एक बात ये भी है कि कलाकार और सिपाही में खास फर्क मुझे महसूस नहीं होता। एक तरफ सिपाही देश की हिफाजत करता है तो दूसरी तरफ कलाकार समाज के दुखों को अपनी तरफ समेटता है। इसी विषय पर साहिर साहब की गजल सुनिए, आवाज मेरी ही है। संगीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ संगीत को गले लगाया। मैं भी उनमें से एक हूँ। सिर्फ मेरे पिताजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी, पिताजी होशियारपुर में जज थे। उन्हें भजन कीर्तन का बहुत शौक था और क्लासिकल गाने बड़े शौक से सुनते थे। वो जब भी किसी प्रोग्राम में जाते, मुझे साथ ले जाते और अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे घर पर याद कराते। पिताजी के कहने के मुताबिक मैं गाना गाती रही और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने लाहौर रेडियो से अपना प्रोग्राम शुरू किया। खैर, ये कहानी तो चलती रहेगी। अब क्यों ना इस मुलाकात को हम ज़रा देर के लिए महफिल के रंग में रंग दें। तो लीजिए सुनिए, मुबारक बेगम और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में कयाम साहब की एक संगीत रचना, शब्द है मजरूर साहब के और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं। महफिल में आप आए, महफिल में आप आए, जैसे के चांद का साया।
कुछ हम भी और चमके चमके कुछ हम भी और चमके कुछ दिल भी जगमगाया महफिल में आप आए जैसे कि चांद आया जी भाइयों, रेडियो से गाना शुरू करने के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तब मैं जालंधर और दिल्ली रेडियो से गाने लगी। घर वाले उसी तरह मेरे गाने के खिलाफ थे, मगर पिताजी मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे और इसी तरह मैं गाते गाते अपने सुनने वालों के करीब आ गई और लोग मुझे जगजीत कौर के नाम से जानने लगे। मैं हर तरह के गीतों को गाना और सुनना पसंद करती हूँ, बशर्ते के उनमें हिंदुस्तानियत मौजूद हो। इसी सिलसिले में अपना ही गाया फिल्म शगुन का गीत पेश कर रही हूँ, बोल हैं साहिर साहब की। Ha ha ha!
संगीत की बात चल निकली है तो ये भी कह देना मेरे लिए जरूरी सा हो गया है कि लाइट म्यूजिक में मुझे क्लासिकल का बहुत ज्यादा मेल जोल इसलिए अच्छा नहीं मालूम होता कि फिर चीज लाइट नहीं रह पाती। इसी तरह से विदेशी संगीत का मेल भी मुझे जरूरत से ज्यादा पसंद नहीं। लीजिए अब मुकेश भाई के स्वर में मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत सुनिए। गीत रचना स्वर्गीय शैलेंद्र की है और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। यह गीत कई तरह के संगीत का मिला जुला संगम है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए नजरों को हम बिछा।
जारी है कार्यक्रम विविध भारती पर विशेष जयमाला और इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं अपने दौर की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका जगजीत कौर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के पश्चात। जी साथियों, अंतराल पूरा हो चुका है और विविध भारती पर इस समय जारी है विशेष जयमाला कार्यक्रम जिसमें आप सुन रहे हैं अपने दौर की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका जगजीत कौर के द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। सुनिए इस कार्यक्रम का शेष भाग। गायकी के अलग अलग रंगों में एक रंग गजल का भी है और आप सब इस रंग से वाकिफ हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आजकल फिल्मों में संगीत कुछ इस ढंग का आ रहा है जिसमें गजल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब देखिए यह सिलसिला कब तक रहता है। बहरहाल आपको सुनवाने के लिए मैं खुद ही गालिब की एक गजल पेश कर रही हूँ। Thank you.
मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ रमेश सहगल जी की फिल्म संकल्प का एक गीत। गायिका हैं सुलक्षणा पंडित और लेखक हैं कैफी आजमी। खयाम साहब ने अपने संगीत के म्यार को कायम रखते हुए इस गीत में गीता के जो श्लोक शामिल किए हैं वो फिल्मी गीतों में एक नयापन है। मैं ज़्यादा कुछ इस गीत के बारे में नहीं कहूँगी, मेरे ख्याल से आप इसे सुनकर खुद ही समझ जाएंगे। फिल्मों में जो संगीत जोर पकड़ रहा था देसी संगीत था। कभी कभी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि क्या भारत के लोग अपना संगीत भूल गए हैं। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत तसल्ली हुई जब कमाल साहब की फिल्म पाकीज़ा ने इस बात को साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी म्यूजिक का ही बोलबाला रहेगा। मगर अफसोस कि अपने संगीत की बहार देखने के लिए संगीतकार गुलाम अहमद साहब जिंदा ना रहे। आइए मरहूम गुलाम अहमद साहब और मीना जी को श्रद्धांजलि देते हुए पाकीज़ा का ये नगमा सुने। लिखा है कमाल अमरोही साहब ने और गाया है लता जी ने। Thank you.
प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए और आपसे विदा लेते हुए अपना ये भजन पेश कर रही हूं। रचना मीराबाई की है और संगीत इकबाल साहब का। फौजी साथियों, ये था विशेष जयमाला कार्यक्रम जिसमें आपने सुनी सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका जगजीत कौर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
इस कार्यक्रम को हमने प्राप्त किया विविध भारती के संग्रहालय से।